हेलो ऑफिसर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी जो तैयारी वो बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में अपन 1000 पजल की जो सीरीज चल रही है उसका पजल नंबर 30 करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि अपने को इस पजल में क्या क्या मिलने वाला है। देखो यहाँ पर जो है तीन वेरिएबल रहेंगे और तीनों में से दो जो है अपने को कलर दिए हुए, एक तो बॉक्स का कलर है साथ ही साथ एक बैलून का कलर है, और अलॉन्ग विद दैट बैलून और बॉक्स के साथ हमें जो है मंथ भी दिए हुए हैं, लेकिन उनमें से जो है तीनों में से कोई भी वेरिएबल फिक्स नहीं है। और ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है यदि आप इसको सही से नहीं समझेंगे, बहुत ही ट्रिकी पजल है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ हमें। देयर आर 6 डिफरेंट कलर बॉक्स, तो ये जो है बॉक्स के कलर हमें यहाँ तक ये बताए हुए। उसके आगे बोल रखा है प्लेस्ड वन अबव अनदर, तो ये जो बॉक्स है एक दूसरे के ऊपर रखे हुए बॉटम से टॉप तक, बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। ठीक है, ये ही ऑर्डर हो कोई जरूरी नहीं है। ईच बॉक्स इज पैक्ड विद बैलून ऑफ डिफरेंट कलर, हर एक जो बॉक्स है उसको डिफरेंट कलर के बैलून उसके अंदर जो है पैक किया गया है। ठीक है, तो यानी कि एक बॉक्स होगा उसके अंदर कोई भी बैलून हो सकता है, ठीक है, किसी भी कलर का। आगे कह रखा है नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर, बैलून भी इसी सेम ऑर्डर में हो कोई जरूरी नहीं है। ऑल दीज बॉक्सेज डिलीवर्ड इन 6 डिफरेंट मंथ, अब ये जो सभी बॉक्स है इनको डिलीवर किया गया है 6 मंथ्स में। अब स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू जून, अब जनवरी से स्टार्ट होंगे जून तक ये जो है इसको डिलीवर किया गया है। लेकिन यहां पर देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है, यदि आप इस पर ध्यान नहीं देते हो तो अपन जनरली जिस तरीके से इस वाले पजल को सॉल्व करते हैं, आप यदि उसी हिसाब से इसको सॉल्व करने लग जाएंगे तो यहां पर जो है गड़बड़ी हो सकती है। तो इसने कह रखा है जनवरी से जून तक, लेकिन नॉट इन सेम ऑर्डर, तो यानी ये कोई जरूरी नहीं सबसे पहले जनवरी वाला होगा फिर फरवरी, ये कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन इसको फिक्स नहीं कर सकते। नो बॉक्स कंटेंट्स बैलून, एक मिनट, हाँ, नो बॉक्स कंटेंट बैलून ऑफ सेम कलर एज दैट ऑफ कलर ऑफ बॉक्स, यानी कि जिन बॉक्स जो बैलून का कलर और बॉक्स का जो कलर है ना वो दोनों का सेम नहीं होना चाहिए, यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है जी। ठीक है, तो आगे देखते हैं द बॉक्स डिलीवर्ड इन मई इट्स सेम, अब ये डेटा यहाँ से स्टार्ट हो गया, मई जून जुलाई आने लग गए ना, तो ये जो है यहाँ से डेटा स्टार्ट है। तो देखो इसको ब्रीफली थोड़ा देख लेते हैं किस तरीके से अपन नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ भी फिक्स नहीं है, तो इस हिसाब से अपन यहाँ पर जो है पहले कोई डायग्राम तो मतलब जो अरेंजमेंट है कुछ ऐसा ऐसा करके कुछ तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, कुछ भी सर्टेन नहीं है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ अपन किस तरीके से नोट करेंगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे मंथ, ठीक है, फिर अपन लिखेंगे बॉक्स, ओके, एंड फिर अपन लिखेंगे बैलून। तो यहाँ पर देखो मैं किस तरीके से इसको नोट करूंगा वो आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर हमेशा बॉक्स और बैलून के बीच में ही डिफरेंशिएट रखूंगा, ठीक है, क्योंकि इनके जो कलर है ना इनके दोनों के ही बॉक्स के कलर और बैलून के कलर जो है सेम है। अब मंथ तो देखो वैसे भी सारे अलग अलग ही होंगे, ठीक है, मंथ में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन बॉक्स और बैलून में जब ये डेटा देगा तो अपने को कन्फ्यूजन यहाँ से क्रिएट हो सकता है। तो देखो मैं लाइन क्लिक, ये जो इंस्ट्रक्शन है ना आप अच्छे से यहीं पर समझ लेना, अदरवाइज आगे कन्फ्यूजन होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लू, ठीक है, तो ये क्या है, ये बॉक्स का है कि बैलून का है, ये ब्लू बॉक्स का होगा क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है लाइन के लेफ्ट साइड में। और यही मान लो मैं कोई भी दूसरा कलर है, कुछ भी कलर हो सकता है, मान लो ऑरेंज है, ऑरेंज मैंने इस साइड में लिख दिया, तो इस साइड वाले जो होंगे ना मैं ब्लू लिखूंगा। ठीक है, मतलब ये बस जस्ट अपने अपने हिसाब से फिक्स किया, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो ताकि क्या है इससे नोट करने से, अदरवाइज पता क्या होगा, अदरवाइज ये होगा ऑरेंज बॉक्स, ठीक है, फिर करेंगे ब्लू कलर बैलून, है ना, ये कितना अजीब सा लगेगा। सोचो पूरी पजल में अपन को इसी तरीके से डेटा नोट करेंगे, तो आप आगे देखते जाइए, क्योंकि इस तरीके से नोट करेंगे ना बार बार में बॉक्स बैलून लिखेंगे तो वो कन्फ्यूजिंग होगा, मतलब टाइम टेकिंग होगा इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं अब क्या है डेटा, क्या गिवन था। तो इसने बोला है, तो इसने बोला कि द बॉक्स, एक मिनट, द बॉक्स डिलीवर्ड इन मई, बॉक्स कौन सा मई वाला, इट्स सेम कलर का है वो, इट्स सेम एज दैट ऑफ कलर ऑफ बैलून, बैलून का कलर किसका, मार्च वाला, तो यानी मई का तो बॉक्स तो होगा मई का और बैलून होगा अप्रैल वाला, इनका कलर जो है सेम है। तो देखो किस तरीके से नोट करेंगे, पहले एक लाइन बॉक्स में इस तरफ लिखूंगा, है ना, यहाँ पे इधर, तो बॉक्स जो है वो है अप्रैल का, सॉरी देख लेते हैं कौन सा है, मई का, ठीक है, तो बॉक्स तो है मई का, मई को, अब ये जो मंथ नेम है शॉर्ट में लिखूंगा, और जो बैलून है वो अप्रैल का, तो बैलून हो गया अप्रैल का। अब इनका जो कलर है ना वो सेम है, तो एस सी लिख दें यहाँ पे, मैंने ये चीज़ पहले ही बताई हुई है, एस सी, एस डी, एस डी का मतलब सेम डायरेक्शन, मतलब इस तरीके से लिखने से इनिशियल ए की जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, है ना, सेम एस एस सेम साइड, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेम कलर, ठीक है। अब ये देखो मई तो है, मई वाला तो बॉक्स और अप्रैल वाला बैलून,
ये जो है सेम कलर का होगा। बिल्कुल थोड़ा सा है ना, हो सकता है आपने यदि पहले इस तरीके से कभी नहीं किया तो कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से सेव हो सकता है। सोचो कितनी बार बॉक्स बैलून जो है मैं यहाँ से कट कर दूंगा, केवल एक लाइन लिखूंगा, इतने में मेरे बॉक्स और बैलून लिखा गया, जो डेटा जिधर लिखना होगा वो लिख दूंगा। चलो अब आगे देखते हैं क्या है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रखा है द बॉक्स कंटेंस ग्रीन कलर बैलून, ठीक है, ग्रीन कलर बैलून इज प्लेस्ड जस्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन ऑरेंज कलर बैलून। तो ग्रीन जो बैलून है वो ऑरेंज बैलून के जस्ट अबव है, तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रीन और यहाँ पर ही लिखेंगे ऑरेंज, ठीक है, इसी साइड में, और ये जस्ट अबव को साइन बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देखो मैं डेटा को किस तरीके से नोट करता हूँ, इसलिए सारी वीडियोस को जरूर से देखते रहिए कंटिन्यू। द टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन, टू बॉक्स रखे गए किसके बीच में, बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन्स ऑरेंज कलर बैलून, अच्छा जिस बॉक्स में ऑरेंज कलर के बैलून है, एंड द बॉक्स विच वॉज डिलीवर्ड इन मार्च, और वो बॉक्स जिसमें जिसको मार्च में डिलीवर किया गया था। तो ऑरेंज कलर के बैलून, देखो ये लाइन ये समझ गए ना, ये वाला जो है ये बैलून ही है वैसे तो, लेकिन अपन इस डेटा को यहाँ पर जो है एक मिनट नोट कर सकते हैं। चलो इसको एक काम करते हैं, इसी में नोट कर देते हैं, ठीक है। यहां पर मैं बना देता हूं ये दो लाइनें, ठीक है, और यहां पर मैं लिख रहा हूं मार्च। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऊपर नीचे भी तो हो सकता है, ठीक है, तो मैं एरो भी बना रहा हूं, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तो देखो मार्च वाला ऊपर भी हो सकता है, ठीक है ना, मार्च वाला जो है ऊपर भी हो सकता है, ऑरेंज ये जो है डेटा कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन ऑरेंज कलर बॉक्स एंड द बॉक्स कंटेनिंग ब्राउन कलर बैलून। तो ऑरेंज कलर का जो बॉक्स है उसमें और ब्राउन कलर के बैलून में एक बॉक्स होना चाहिए। तो देखो इसको कैसे करेंगे, कौन से कलर का क्या है वो कंफर्म कर लेना, क्योंकि यदि ऑरेंज कलर का बॉक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ओ आर जी और फिर ये लाइन इस तरफ, समझ गए, अब मैं बार बार में नहीं समझाऊंगा ये, ठीक है। और जो बैलून है वो अपना है ब्राउन कलर का, तो यहाँ लिखेंगे ब्राउन, ठीक है। अब देखो हो गया ना इनके बीच में, अब ये भी सर्टेन नहीं है, कोई किधर भी हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा वैसे अपन ना इससे पॉसिबिलिटी बना सकते हैं अभी चाहे तो क्यों ना बना ही देते हैं, क्योंकि साथ साथ में पजल अपने को ये अपना मेन टारगेट ये नहीं है कि सारी कंडीशन को नोट करके अपने को सजाना तो यहाँ है नहीं, अपने को तो आंसर से मतलब है, वैसे भी बस अपना सीधा कैसे किसी भी तरीके से जल्दी आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑरेंज, ठीक है, फिर ये डबल लाइन है, एक बार मैं इसको ऊपर कर दूंगा, एक बार मैं इसको नीचे कर दूंगा, तो यहाँ पर जो है इस जगह लिख देते हैं मार्च, एम आर, ठीक है। अब मैं इसको जस्ट उल्टा भी लिख देता हूँ, पहले लिख देते हैं मार्च, फिर दो लाइनें दो छोड़ करके, ये देखो ये ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ठीक है ना, अभी ये मार्च हो गया, और इस जगह लिखेंगे ऑरेंज, एंड ऑरेंज से जस्ट ऊपर, देखो ऑरेंज से जस्ट ऊपर है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ऑरेंज से जस्ट ऊपर में यानी कि इस जगह मुझे लिखना है ग्रीन, तो क्लियर है, ये वाला तो है कंप्लीट हो गया अपना। चलो अब इससे रिलेटेड डायरेक्ट कोई कंडीशन आती होगी तो मैं इसको यहीं पर ही नोट करूँगा आप कंडीशन में, ठीक है। अभी देखो इसको कहीं नोट नहीं कर सकते शायद, ठीक है ना, ये मार्च को थोड़ा सा उधर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर कलर लिखेंगे अपन। चलो तो अब बाकी जो है डेटा आगे देखते हैं और क्या डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ तक ब्राउन कलर का बैलून जो है वो हो चुका है अपना, ये वाला कलर जो है, सॉरी ये वाली कंडीशन जो है ना ब्राउन कलर के बैलून वाली अपने नोट हो गई। अच्छा ब्राउन कलर के बैलून के वाली कंडीशन में आगे और दिया हुआ था कि विच वॉज नॉट प्लेस्ड एट द टॉप प्लेस, अच्छा जो कि है इसको ये जो ब्राउन कलर का बैलून जो है इसको टॉप पर नहीं रखा गया है, ये टॉप पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं है। द ऑरेंज कलर बॉक्स, ऑरेंज कलर का जो बॉक्स है इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द बॉक्स विच वॉज डिलीवर्ड इन मार्च, अच्छा जी, तो ये जो ऑरेंज वाला बॉक्स होगा वो मार्च वाले से जस्ट नीचे आएगा। तो देखो ऑरेंज मार्च अपने पास फिक्स्ड है, मार्च तो मतलब पूरे मंथ में जितनी भी पूरा भी अरेंजमेंट होगा मार्च तो एक ही जगह आएगा ना, वो इस वाले कंडीशन में तो यहाँ है और इस वाले कंडीशन में यहाँ है, ठीक है। तो देखो मार्च से जस्ट बिलो क्या होगा, ऑरेंज कलर का बॉक्स, ठीक है, ऑरेंज कलर का बॉक्स, समझ गए, बैलून नहीं बोला इसने, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ओ आर जी, ठीक है, और इसमें इसके जस्ट बिलो लिखूंगा ओ आर जी, तो ये अपना बन गया। अब देखो इस वाले में देखो कितने पर्सन हो गए, कितने हो गए, 6 बॉक्स हो चुके, तो ये तो अपना फिक्स हो गया कि इसी तरीके से रहेगा अरेंजमेंट, ठीक है। ये तो अब लास्ट वाली लाइन बनाने की जरूरत नहीं वैसे, तो 1 2 3 4 5 6 ओके गॉट इट। अब देखो जो दूसरे वाली कंडीशन है ना इसमें जो है पॉसिबिलिटी बन सकती है कि या तो जो है ब्राउन मतलब ये या तो ये ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, एक जो
ये कितने हैं वैसे, 1 2 3 4, अच्छा 4 ही हुए ना अभी, तो 4 ही हुए, सॉरी 4 ही हुए, तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो ये वाली कंडीशन है ना, अब इसको सेट कर सकते हैं कैसे, क्योंकि मेरे पास ऑरेंज आ चुका है बॉक्स, ऑरेंज बॉक्स जो है मेरे पास आ चुका है दोनों में ही, तो मैं ये जो ब्राउन है उसको भी लिख सकता हूँ। और ब्राउन के लिए कहा हुआ है कि ब्राउन जो है ना टॉप पर भी नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो है एक छोड़कर इस जगह तो लिख नहीं सकते ब्राउन को, तो फिर कहाँ लिख सकते हैं, ऊपर ही लिखना पड़ेगा अपने को इसमें, तो यहाँ ठीक है, ये हो गया ब्राउन। लेकिन साथ साथ में मुझे ये भी पता है कि ब्राउन जो है टॉप पर नहीं बनना चाहिए, ये जो है टॉप पर नहीं है, तो मतलब एटलीस्ट एक और जो है उसके ऊपर मुझे बनाना पड़ेगा ये कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए। ठीक है, तो अपना इसमें 6 का अरेंजमेंट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी बात कर लेते हैं दूसरे वाले की, तो यहाँ पर जो है इसमें ब्राउन आएगा इस जगह पे ही केवल, ठीक है, एक छोड़कर ब्राउन आ गया ना। ठीक है, अब वो ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, देखो नीचे तो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि नीचे लिख दूंगा तो 6 से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो अपनी दोनों कंडीशन में अपन ने ये वाली जो कंडीशन थी इसको भी सेट कर दिया है। ठीक है, ब्राउन टॉप पर भी नहीं है और एक छोड़कर हो चुका है, तो अभी तक तो सब कुछ सही है। चलिए चलिए आगे देखते हैं। रेड कलर का जो बॉक्स है कंटेंस येलो कलर का बैलून, अच्छा भी रेड कलर का बॉक्स होगा और येलो कलर का बैलून होगा, तो मिला देते हैं इनकी जोड़ी भी, रेड कलर का बॉक्स और येलो कलर का बैलून। चलो जी ठीक है, एंड आगे क्या कर रखा है इसने, विच वॉज डिलीवर्ड इन मंथ हैविंग लेस देन 30 डेज। अच्छा ये जो है लेस देन 30 डेज का मंथ कौन सा होता है, आजकल एक ही महीना होता है, वो होता है फरवरी, और तो कोई महीना होता ही नहीं है। ठीक है शाबाश, चलो जी आगे आ जाओ जल्दी से, क्योंकि अब ये इतना डेटा जो है ना, एक मिनट, अच्छा देखो देखो देखो, वेट ए मिनट, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ये 6 का कंप्लीट सेट है। ठीक है, और जैसे अभी मेरा ना जस्ट इसमें ऐसे दिमाग चला गया क्या, कि ये पूरा एक कंप्लीट सेट है, ये सुनो सेट का मतलब ये भी है। देखो इस सेट किसको कहते हैं जिसमें सभी वेरिएबल आ जाए, यानी मंथ भी आ गया, कलर बॉक्स भी आ गया, बैलून भी आ गया, तीनों चीज़ें आ रही है, तो यानी ये इसको जगह चाहिए कि पूरी खाली, मतलब जहाँ पूरा मैदान खाली होगा वहीं पे ये आ पाएगा। तो यहाँ पर जो है इस वाली कंडीशन में तो ये यहाँ आ सकता है। ठीक है, रेड और येलो, गॉट इट, समझ गए। तो और इस वाले की यदि मैं बात करूँ तो इस वाले में यहाँ पर आ सकता है फैब, क्योंकि और कोई जगह नहीं बन रही है जहाँ तीनों के तीनों ही प्लेस खाली हो, और येलो, समझ गए। अब इसको हटा देते, इसका कोई काम नहीं है। चलिए वापस से आगे पढ़ते हैं, तो द बॉक्स विच कंटेन्स ब्राउन कलर बैलून, जिस बॉक्स में ब्राउन कलर के बैलून होंगे, ब्राउन कलर के बैलून की बात हो रही है, वॉज डिलीवर्ड इन मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। ब्राउन कलर के बैलून देखो पहले कहीं सेट कर रखे हैं क्या अपन ने, ब्राउन कलर के बैलून ये रहे, है ना, इसके लिए क्या बोल रहा है कि ये जो है इवन नंबर ऑफ डेज में होना चाहिए। इवन नंबर कौन से होता है, जनवरी से जून तक, तो देखो जनवरी नहीं होता, फरवरी होता है, लेकिन फरवरी में नहीं हो सकता क्योंकि फरवरी में तो येलो कलर का बैलून आ रहा है ना ये देखो। ठीक है, तो फरवरी में नहीं होगा, जनवरी नहीं होगा, फरवरी भी नहीं होगा, मार्च भी नहीं होगा, अप्रैल हो सकता है, मई भी नहीं होगा, और जून हो सकता है। ठीक है, तो अप्रैल और जून आएगा या तो इसमें जो है ब्राउन में, या तो होगा अप्रैल, APR अप्रैल, या फिर होगा जून। ठीक है, और ये ही बात जो है दूसरे वाले में भी अपन लिख देते हैं, ब्राउन जो है या तो होगा अप्रैल में या फिर होगा जून में। ठीक है चलिए जी, अब आगे देखते क्या कह रखा है इसने, टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ब्राउन कलर बॉक्स, अच्छा ब्राउन कलर का बॉक्स, ध्यान रखना बैलून ही है, ब्राउन कलर का बॉक्स एंड द बॉक्स विच वॉज डिलीवर्ड इन जून। ब्राउन कलर के बॉक्स अपन ने सेट कर रखा है, कहीं नहीं कर रखा है। ठीक है, तो इसको लिखना पड़ेगा, ये लाइन बनाई, इधर लिखूंगा मैं ब्राउन, ठीक है, और इसके बीच में दो पर्सन है, सॉरी दो बॉक्स है, एक मिनट, दो बॉक्स है ना, हाँ ठीक है, दो बॉक्स है और इसके और जून के बीच में। ठीक है, तो अब ये किसी कैसे भी हो सकता है ऊपर नीचे, तो इसके लिए ये लाइन भी बना देते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या कह रखा है, ब्राउन कलर का जो बॉक्स है प्लेस किया गया वन ऑफ द प्लेस अबव ऑरेंज कलर बॉक्स बट नॉट इमिडिएटली अबव। तो ब्राउन वाला बॉक्स, ठीक है देखो ध्यान से देखना, ब्राउन कलर का बॉक्स, ठीक है, और ऑरेंज कलर का बॉक्स, दोनों में बॉक्स बॉक्स की बात हुई है, तो ब्राउन वाला जो बॉक्स है ऑरेंज वाले बॉक्स से ऊपर होना चाहिए। तो ब्राउन कलर का बॉक्स यहाँ पे लिखूंगा, इसको थोड़ा सा अलग से लिखना पड़ेगा, इस वाले कंडीशन में लिख नहीं सकते इसको एक साथ में, तो ब्राउन कलर का जो बॉक्स है वो ऑरेंज कलर के बॉक्स से ऊपर होना चाहिए, लेकिन इमीडिएट ऊपर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑरेंज कलर, अच्छा देखो ये वाला कंडीशन जैसे मैंने देखी ना, तो थोड़ा थोड़ा मेरा इधर ध्यान गया क्योंकि मैंने यहाँ ऑरेंज कलर का बॉक्स पहले सेट कर रखा है, तो ऑरेंज कलर से जस्ट ऊपर यहाँ तो ब्राउन आ नहीं सकता,
सकता, और यहाँ भी ब्राउन नहीं आ सकता। यस और नो, क्यों नहीं आ सकता? देखो यहाँ ऑलरेडी इस तरफ जो है ब्राउन लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इससे मेरे को कन्फर्म पता चल गया कि ये कंडीशन ही गलत हो गई, क्योंकि और कहीं इससे ज़्यादा तो ऊपर मैं ले जा भी नहीं सकता, यहाँ तो लिख नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी सिक्स प्लेस जो है मैंने कवर करके, इसको हटाओ भी, इसको जो है हटा देते हैं, चलो क्लियर। अब इसकी बात कर लेते हैं दूसरी वाली कंडीशन की, इसमें देखो ब्राउन यहाँ पे भी नहीं आएगा, इमीडिएट अबाउ नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी इस तरफ ब्राउन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रेड है, और यहाँ पर जो है आ सकता है ब्राउन, या फिर यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बना रही है, आप समझ गए, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ, और एक और जो है पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना लेते हैं, चलो अपनी मन की पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ एक बार, तो ब्राउन लिखूंगा यहाँ बी आर ओ, और एक बार जो है बी आर ओ यहाँ लिख देता हूँ, ये अपन जो है अब इसको हटा सकते हैं। और जैसे मैंने ब्राउन लिखा ना, ये वाले भी एक्टिवेट हो गई माइंड में कि ब्राउन से दो छोड़कर जून भी होना चाहिए, तो ब्राउन से दो छोड़कर जून तो यहीं आ सकता फिर इसमें, तो ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जून, ठीक है, जे यू लिख रहा हूँ मैं, जे यू, ठीक है, और इसमें जो ब्राउन अपन ने यहाँ लिखा है, तो देखो ये भी गलत हो गई, दो छोड़ के जून कहाँ लिखोगे, पॉसिबल नहीं है ना, तो ये भी हटाओ। चलो देखो इस तरीके से, मतलब जैसे पजल, मतलब जैसे डेटा लिखे ना अपन, इसको लिखते ही क्लियर हो रहा है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब अपना एक ही फाइनल है, अब इसको भी हटा सकते हैं। चलिए जी और आगे देखते हैं, इसमें बोल रखा है यहाँ तक हो गए ना, वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स कंटेनिंग ब्लू कलर बैलून, ब्लू कलर के बैलून के बीच में और ग्रीन कलर के बॉक्स के बीच में, ग्रीन कलर का तो बॉक्स होना चाहिए, तो अब देखो बॉक्स है, ठीक है ना, ग्रीन का तो बॉक्स है, बॉक्स मतलब इस लेफ्ट साइड में बनाना लाइट के लाइन के, ठीक है, और ब्लू कलर का बैलून, ब्लू कलर का बैलून है, ठीक है, ब्लू कलर का बैलून, इन दोनों के बीच में जो है एक बॉक्स मैंने बना दिया। अब आगे देखते हैं, देखो नाइदर ग्रीन कलर बॉक्स, ना तो ग्रीन कलर वाला बॉक्स और ना ही ब्लू कलर वाला बॉक्स, ठीक है, बॉक्स बॉक्स है दोनों ही, तो ये जो है अप्रैल में नहीं होंगे, ठीक है, तो यानी पहले बनाएंगे लाइन, इधर लिखेंगे ग्रीन, ठीक है, और ब्लू, ये दोनों ही नहीं है किसमें, अप्रैल में नहीं होने चाहिए, ठीक है जी, कोई बात नहीं है। चलिए ये हो गया ग्रीन और ब्लू, अप्रैल, ब्लू कलर बॉक्स वॉज नॉट डिलीवर्ड इन, ब्लू कलर बॉक्स वॉज नॉट डिलीवर्ड इन मार्च, अच्छा ब्लू कलर वाला जो बॉक्स है, बॉक्स मतलब ये वाला, ये बॉक्स है, ये बैलून नहीं है, ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, तो ये जो है मार्च में नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, कोई बात नहीं है, मार्च में नहीं करेंगे इसको। द येलो कलर बॉक्स डज नॉट कंटेन ब्राउन कलर बॉक्स, ये देखो एक मिनट वापस से पढ़ लेते हैं इस कंडीशन को, येलो कलर का जो बॉक्स है डज नॉट कंटेन ब्राउन कलर बॉक्स बैलून, तो येलो कलर का बॉक्स होगा, ठीक है एक मिनट, तो येलो कलर का जो है बॉक्स और ब्राउन कलर की बैलून, एक मिनट, येलो कलर का बॉक्स डज नॉट, अच्छा अच्छा इन दोनों का मतलब ये जोड़ी जो है नहीं बन सकती, इसके कहने का मतलब ये है येलो की जोड़ी जो है किसके साथ नहीं बन सकती, ब्राउन के साथ नहीं बन सकती, तो यहाँ पर जो है भाई साहब ब्राउन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये लाइन भी है, लाइन का मतलब समझ गए ना, येलो तो कहीं बॉक्स है और ब्राउन बैलून है, तो ऐसा कहीं भी मुझे नहीं नजर आना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, बॉक्स डिलीवर्ड इन अप्रैल, बॉक्स जो कि अप्रैल वाला है, बट नो इज नॉट ऑफ ब्राउन कलर, तो अप्रैल में जो है ब्राउन कलर नहीं होगा, ठीक है बॉक्स, तो इसको कैसे करें, देखो अपने अप्रैल यहाँ पे लिखा हुआ ना, इसी में लिंक कर देते हैं कि अप्रैल में ब्राउन कलर का भी बॉक्स नहीं आ सकता, ठीक है। तो अब अपन ने सारे कंडीशन नोट कर लिए, अब दूसरे स्लाइड का अपने पास कोई काम नहीं है, तो अब अपने को जो भी सेट करना है वो इसी में ही अरेंजमेंट बिठाना पड़ेगा। अब देखो ये वाली जो कंडीशन है इसको आप कहाँ सेट कर सकते हो बताओ, इसमें दो ही जगह दिख रही है मुझे ब्लू के लिए, ठीक है ना, ये इस तरीके से है, ब्लू के लिए मुझे दो ही कंडीशन दिख रही है, या तो ब्लू आएगा यहाँ या फिर ब्लू आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ नहीं आ सकता इस जगह, कैसे नहीं आ सकता, देखो एक छोड़ के आपको बॉक्स के लिए भी जगह चाहिए, ठीक है ना, ग्रीन, ये देखो यहाँ पर जगह चाहिए, यहाँ पर जगह है नहीं क्योंकि यहाँ तो रेड लिखा है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो यहाँ जो है ब्लू आएगा इस जगह, ठीक है, ब्लू यहाँ आएगा तो जो ग्रीन है वो इस जगह हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ लिख देते हैं ग्रीन, चलो इसका काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। और देखते हैं अब और क्या हो सकता है भाई, देखो यहाँ पर जो है इधर वाले पे, एक मिनट देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है सब कुछ सही है, मुझे लगा कि ये कम ज़्यादा कैसे हो, अच्छा ये वाली कंडीशन है ना अपनी फुलफिल हो चुकी है, ये अप्रैल जून वाली ये हटा सकता हूँ, क्योंकि ये ब्राउन देखो ऑलरेडी जून उधर सेट हो गया ना जून, तो यानी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अपनी, और इसके बाद में जो है येल्लो नहीं होना चाहिए ना,
ये तो अच्छा, ये वाली कंडीशन में सेटिस्फाई होगी। देखो ब्राउन जहाँ है बैलून, ये रहा ठीक है, इसके साथ ये इधर देखो क्या है, येलो नहीं है होना चाहिए और ये है भी नहीं, वहाँ तो ग्रीन है ठीक है। तो ये वाली कंडीशन अपनी होगी कंप्लीट, इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद में आगे देखते हैं, तो यहाँ जो है अब अपने पास में दो ही कंडीशन हमने अपने सामने रखी हुई है। तो इसमें देखो इसमें कलर एक ही बचा है, कौन सा कलर है पहले वो फिक्स करो। रेड कलर बचा है, रेड कलर तो यहीं आएगा ठीक है। एंड उसके बाद में यदि अपन देखें तो मार्च में जो है ब्लू नहीं होना चाहिए ठीक है, और अप्रैल में भी ब्लू नहीं होना चाहिए ठीक है जी। तो मार्च में तो ब्लू यहाँ तो हो नहीं सकता, ब्लू इस जगह ठीक है ना, इस जगह पे ब्लू नहीं हो सकता जहाँ मैंने ये लाइन स्टार्ट की, इस जगह पे ठीक है। तो यहाँ पे यदि ब्लू नहीं हो सकता तो फिर ब्लू हो जाएगा इस जगह पे, क्योंकि और तो कहीं जा ही नहीं सकता ठीक है। और ब्लू यदि यहाँ हो गया तो फिर बचा क्या इसमें, इस वाले में जो है ऑरेंज बच गया क्या, नहीं ग्रीन, ग्रीन भी नहीं हो, ग्रीन भी नहीं है, ब्लू ब्लू हो गया, रेड भी हो गया, येलो, अच्छा येलो नहीं हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा येलो ठीक है, इस जगह हो जाएगा येलो। तो ये तो कलर तो सभी जो है अपने सेट हो गए। अब देखो थोड़ा बहुत मंथ का है अरेंजमेंट, वो अपन कर देंगे अभी। तो इसको मैं जो है हटा देता हूँ ठीक है, मार्च में ब्लू नहीं है ना, मार्च में ब्लू नहीं है। अच्छा अप्रैल देखो कहाँ कहाँ नहीं आना चाहिए, अप्रैल नहीं आएगा ग्रीन में, ब्राउन में, ब्लू में, ब्लू ग्राउन यहाँ नहीं आएगा अप्रैल, यहाँ पर भी अप्रैल नहीं आएगा, यहीं पर फिर अप्रैल आएगा, और कोई जगह नहीं है ठीक है। चलो इसको हटाओ, तो ये अपना कंडीशन ये भी कंप्लीट हो गई। अब ये वाली कंडीशन बची है, इसको देख लो क्या कह रहे हैं कि मई वाला तो बॉक्स और अप्रैल वाला बैलून सेम होना चाहिए। तो मई कहाँ आ सकता है पहले बात बताओ, मई यदि मैं लिखता हूँ यहाँ ठीक है, तो मुझे ये देखो ये वाला रहा बैलून ठीक है, ये वाला जो बैलून है ना, मतलब इसके अकॉर्डिंग अप्रैल मुझे यहाँ लिखना पड़ता, ये वाली कंडीशन ये कह रही है। यानी कि जहाँ पर भी आपका बॉक्स का जो कलर है वो और जो बैलून का कलर है वो सेम होना चाहिए इन दोनों महीनों में, तो ये वाली कंडीशन तब बैठती है। यदि मतलब नहीं, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी जून लिखा हुआ है तो ये तो मैं नहीं कर सकता। तो फिर मैं जो है मई को रखूंगा यहाँ ठीक है, जैसे मैंने मई को यहाँ रखा तो मई का कलर है ब्लू ठीक है, ब्लू कलर है। तो अप्रैल का कलर देखो, सॉरी अप्रैल का जो है कलर देखो आप क्या है, अप्रैल का बैलून का कलर ठीक है, मई का बॉक्स का कलर और अप्रैल का बैलून का कलर सेम होना चाहिए। अब ये चीज चेक कर लो है कि नहीं ठीक है, ये दोनों सेम हो गए ना, तो यानी ये कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई होगी। तो अब जो बचा हुआ मंथ है वो भी लिख देंगे, वो क्या है जनवरी। तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट होगा, ये JAN है ठीक है, समझ गए होंगे आप अच्छे से। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, आपको देख लो आप आराम से आंसर ठीक है। तो ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। और आप जो है जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और ये जो दोनों आपके सामने वीडियोस आ रहे होंगे इनको भी जरूर से देखिएगा प्लेलिस्ट को और इनको ठीक है। तो थैंक यू।